लड़के को गायब कर रचा झूठा षड्यंत्र, उप निरीक्षक अंशुल गुप्ता ने किया पर्दाफाश। हाल ही में एक महिला के द्वारा 7 माह के मासूम बच्चे की चोरी की गई थी, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाई और उक्त महिला को बच्चों के साथ जयपुर से बरामद किया था। इसी क्रम में लोगों की हमदर्दी बटोरने के साथ ही साथ हाल ही में हुए झगड़े का बदला लेने के उद्देश्य से एक व्यक्ति ने षड्यंत्र रच दिया और अपने ही 7 साल के बच्चे को रिश्तेदार के यहाँ छुपा कर पुलिस में स्वयं के लड़के के अपहरण की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिसका खुलासा खोड़ चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अंशुल गुप्ता ने किया है। जानकारी के अनुसार 29 अगस्त को राम कुंवर पत्नी जालिम आदिवासी ने अपने पति के साथ अपने 7 वर्षीय पुत्र आशिक का अपहरण होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसको पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने गंभीरता से लिया और जल्द से जल्द बालक की तलाश करने के आदेश दिए, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मूले के निर्देशन व पिछोर SDOP प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में भौंती थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल भारद्वाज के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। खोड़ चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अंशुल गुप्ता ने तकनीकी एवं मुखबिर तंत्र के द्वारा पता लगाया कि फरियादी के द्वारा ही अपनी बहन के यहां अपने लड़के को छुपाकर षड्यंत्र रचा है, जिस पर समस्त टीम गायब हुए लड़के के मौसी के घर ग्राम बेल बावड़ी थाना खनिया थाना पहुंचे और बालक को मौसी के यहाँ मिलने पर मौसी मौसा सहित अन्य लोगों के साथ बालक को न्यायालय में पेश किया गया। साहब यहाँ पर चक्का जाम करने का मुख्य कारण क्या है, किस लिए आप चक्का जाम किए हुए हैं? ये करे हैं सर, मैं तो पिछोर, हाँ, जिनमें गांव में झगड़ा हुआ जाटों के साथ, हाँ, झगड़ा हुआ, हाँ, मैं जिनने मुनि मणा ने मिला ने फोन लगाया, मैंने चाचा ऐसी ऐसी बात है, मेरे लिए मारा है, मेरे हमारे लिए मारा जाटों, हाँ, मैं पिछोर से आया, हाँ, 12 बजे, हाँ, 12 बजे के बाद मैं घर पहुँचा, मैंने फोन लगाया, मैंने की ऐसी ऐसी बात है, मैंने फोन लगाया, मैंने कोई फोन नहीं उठाया, लड़का ने जिन्हें मारा था, फिर मैंने फोन समय के लिए फोन लगाया, वे आए, मैंने कहा तेरे बाप के लिए हमने मारा है, तुम ऐसी ऐसी बात है, तुम आओ, हम वे आए, क्यों नहीं मोड़ा, हमने भी निकला पकड़ लाए, हमने भी नहीं मारा, आपको झूठ कहें कि हमने नहीं मारा है, हम इनके लाने थाने में ले गए बांध के जीवरा से ले गए, होना हम पहुँचे तो होना ही ना, कोई पुलिस ने सुनवाई की ना, रिपोर्ट कुछ नहीं, रात भर रहा है, मेरी बात तो सुनो है, तो उनसे फिर उनकी अम्मा पहुंची मोनी मोड़न की कि हमें मोनी मोड़ा ने कैसे ले आया पकड़ के, उन्होंने पहुंची सो रात है, उन्हें यदि था कि अम्मा लोवा ले आई और से होना से हम थाने में हाथ बने रहे और इसके बाद मैं मोड़ा को मुँह तो पता ही नहीं मोड़ा था, मैं कुआ पे छोड़ के गया था, तो मुँह तो पता ही नहीं इस पे कह रहा मुँह का पता जिनने वो तैसे जिता पहला मैं और वो एक मोड़ा अभी है तो जाट में नहीं को मैंने गाँव का था वो जिन्हें होना चाहते जिन्हें पहले CID कर लगी थी कि ऐसी ऐसी बात है कि वो होना है ना कुछ आप इसका लड़का उठवा दो। अच्छा तो बच्चा के लिए उठाया गया है, किडनैप किया गया है, मतलब वो से लौट के आए, हाँ, बच्चा नहीं मिला हमारे लिए, हाँ, मेरे पास मोबाइल था, घर भाई ने फोन नहीं था, हाँ, किसी और कैसे लगाया बगल, बस मेरे 9 बजे हमारे लिए घर भाई ने फोन लगाया तुम्हारे पास लड़का है, यानी कि मेरे पास तो नहीं है, इसके बाद हमने मोड़ा की भी रिपोर्ट की साथ में, बिन की लड़ाई की भी और मोड़ा की भी साथ में, हमें सवेरे हमने दरोगा जी ने फिर बाद में सवेरे 9-8-9 बजे रिपोर्ट ली, रिपोर्ट लिखी हमें लाने दी और जो मोड़ी मोड़ा सब ठाणे थे, मैंने कहा तुम कैसे तैसी करा रहे ना, तुम चलो मोड़े मोड़ा के लाने ढूंढने पा लाना, दरोगा जी आते कभी मान जी आते वे बिंदा मुँह में ऐसे चाटा था मादर चो इतना ढूंढी रिपोर्ट लिखवाने आते हैं माँ के लौड़े हो, इसलिए ये बात है सर, इसलिए हम चक्का जाम कर रहे हैं। अच्छा तो बच्चा गुम हो जाने की वजह से आपने चक्का जाम किए हुआ है, वो बच्चा अभी तक मिला नहीं है, उसका आता पता नहीं है, फोन नहीं उठाया वो अभी गांव में घूम रहे हैं खुले आम। अच्छा हां पुलिस वालों ने आज तीसरा दिन है जी, कोई सुनवाई नहीं है, आते हैं तो नेक फिर जाते हैं भाग जाते हैं, इनकी कोई जो नहीं घर छोड़ के भाग ना जा के जो पूछे बताया कि कैसे हो गया है का हो गया है कुछ नहीं है, इनके पास जाए नहीं हम घूम रहे हैं वो तो नेक हमने आती है फिर जाती है भाग जाते ही। अच्छा पुलिस कल आई थी बस भाई लोवा ले गए थे घर भाई को लोवा गए थे और मोड़ा के बाद में और फिर उल्टे और लोवा ले गए पहले तो हमने लिखी थी फिर रात की और भाई थी 8-9 बजे के बाद ठीक रिपोर्ट लिखी ठीक।